हेलो पीपल, इस वक्त हूँ मैं मैड्रिड स्पेन में और मैंने रात में ही इस खूबसूरत वाइट हाउस अपार्टमेंट में चेक इन किया। नॉट एग्जैक्टली वाइट हाउस, यहाँ पे मैं इसलिए इसको वाइट हाउस बोल रहा हूँ बिकॉज सब कुछ शेड्स ऑफ वाइट में है यहाँ पे। सो इट्स लुकिंग लिटिल यू नो नाइस स्पेशियस। और इंटेंशन मैड्रिड आने का ये है कि आई हैव टू फिल्म मैड्रिड। हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म बनाने आए हैं साइट सीइंग लोकेशंस के ऊपर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा नहीं है कि वी वोंट डू फोटोग्राफी आप लोगों के लिए। वी आई विल शेयर सर्टनली सम फोटोग्राफी टिप्स जो मैं बाहर निकल के करने वाला हूँ इस पूरे प्रोसेस के दौरान। जब हम फिल्म कर रहे होंगे तो थोड़ी बहुत हम फोटोग्राफी भी कर लेंगे। आज जैसे कि मैं निकलूँगा, अभी मॉर्निंग 7:30 हो रहा है बट अभी भी अंधेरा है बाहर क्योंकि जनवरी का महीना है यहाँ पे एंड इट्स नेल बाइटिंग कोल्ड आउट देयर, अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस। बट आई विल स्टिल मूव आउट, डू अ बिट ऑफ रेकी बिकॉज जिस लोकेशन पे मैं रुका हूँ यहाँ से साइट सीइंग लोकेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो आई विल जस्ट ग्रैब माई कैमरा एंड मूव अराउंड कि क्या क्या लोकेशंस को फिल्म किया जा सकता है। और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आई विल सर्टनली शेयर सम स्ट्रीट फोटोग्राफी टिप्स क्योंकि यहाँ मैड्रिड इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस। बहुत सारी गलियाँ हैं यहाँ पे पुरानी, बहुत एंशंट मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत लैंडमार्क बिल्डिंग हैं, बहुत मेजेस्टिक बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। और सकरी सकरी नैरो गलियां भी हैं यहाँ पे जो कि स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो मैंने सोचा जो मैं फ़िल्म के लिए रेकी करने वाला हूँ उस प्रोसेस में अगर कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रीट फोटोग्राफी भी हम कर लें तो क्या इसमें बुराई है। सो चलिए चलते हैं बाहर। पहले तो मुझे अपना ब्रेकफास्ट करना है। मेरा आज ब्रेकफास्ट बनाने का, आप देख सकते हैं पीछे किचन है, आई कैन इवन कुक हेयर, बट मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का कोई मन नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी सामग्री नहीं है। सो आई विल मूव आउटसाइड, आई विल बाई समथिंग एंड रात में डिनर विनर बनाएंगे अपन। बट अभी के लिए आई विल जस्ट मूव आउट, हैव माई ब्रेकफास्ट और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सो इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड। थैंकफुली स्काई खुल रहा है बिकॉज मॉर्निंग में जब मैंने देखा था तो ओवरकास्ट वेदर था। बट आप देख सकते हैं मेरे पीछे सनलाइट और स्काई जो है थोड़ा ऊपर खुल रहा है। लेट्स सी, फर्स्ट मुझे एक ढंकी जगह ढूंढनी है टू हैव माई ब्रेकफास्ट और उसके बाद आई एम हेडिंग टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क लोकेशन हेयर विच इज़ कॉल्ड प्लाजा मेयर, जो कि यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है। बट वहाँ जाने से पहले आई जस्ट नीड टू ईट समथिंग, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। विद माई ब्रेकफास्ट और अब मैं जा रहा हूँ प्लाजा मेयर की तरफ वॉक करते हुए गूगल मैप्स को फॉलो करते करते। ब्रेकफास्ट वॉज नाइस बट अगेन बहुत ठंडे बाहर। और इस साल ये बोला जा रहा है मैड्रिड का ये सबसे ठंडा महीना चल रहा है अभी जनवरी का। इससे पहले इतनी ठंड यहाँ पे कभी पड़ी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, कैमरा निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बट अगेन अगर हम थोड़ा सा रेकी कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि जो फिल्म है मुझे अगले 2 दिन में शूट करनी है यहाँ पे लोकल मैड्रिड सिटी की साइट सीइंग लोकेशंस की। सो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रोसेस में आपसे कुछ फोटोग्राफी टिप्स भी शेयर कर ली जाए। नाउ जिस जगह मैं हूँ दैट इज़ मैड्रिड सिटी, इधर लैंडस्केप फोटोग्राफर्स के लिए कुछ नहीं है, खासकर सिटी के अंदर तो कुछ भी नहीं है। सो आई थॉट क्यों ना कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी के ऊपर कुछ टिप्स शेयर किए जाए। नाउ जैसे कि मैंने बोला ये सिटी है, दिस इज़ नॉट लद्दाख या लद्दाख की कोई तुरतुक विलेज नहीं है जहाँ पे लोग या बच्चे या कैरेक्टर्स आपके लिए पोज करें। और वो मोर और लेस उसको हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बोलते हैं, मैं उसको स्ट्रीट फोटोग्राफी की कैटेगरी में नहीं डालूंगा जब आप किसी से पोज करवा रहे होते हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी का जो रियल मज़ा है वो इस तरीके के शहरों के अंदर आता है जहाँ गलियाँ हों और जहाँ कैरेक्टर्स बहुत डायनेमिक हो, मतलब कोई भी आपके लिए पोज ना कर रहा हो। और जब कोई आपके लिए पोज ना कर रहा हो उसमें खींचने का अपना अलग मज़ा है बट अपने चैलेंजेस भी हैं। तो इन्हीं चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा ये वीडियो डेडिकेट करते हैं हम अर्बन स्ट्रीट फोटोग्राफी को, मतलब जब आप सिटी के अंदर स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो क्या क्या चीज़ें मुझे लगता है कि ध्यान में रखनी चाहिए आपको। सो सबसे पहली टिप जो मैं शेयर करूँगा वो ये है कि जब आप अर्बन एनवायरनमेंट में, सिटी एनवायरनमेंट में स्ट्रीट फोटोग्राफी करें तो सेटिंग्स की फ़िक्र मत करिए।
पहले तो आप इसको मैनुअल मोड में अगर शूट करेंगे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज सब कुछ डायनेमिक है, सब कुछ चल रहा है, कोई आपके लिए पोज नहीं कर रहा है, और बाय द टाइम आप कैमरे में मैनुअल सेटिंग्स डालेंगे तब तक कैरेक्टर या कहानी ख़त्म हो चुकी होगी। सो जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि शूट इन अपर्चर प्रायोरिटी ऑटो मोड एंड डिसाइड वॉट अपर्चर यू वॉन्ट टू फिक्स इन योर कैमरा, और बस शटर स्पीड, क्योंकि अपर्चर प्रायोरिटी ऑटो मोड में कैमरा ऑटोमेटिकली लेता है, तो ध्यान रखिए शटर स्पीड इतनी स्लो ना हो जाए कि सब्जेक्ट ब्लर हो जाए। अगर आपको लगता है शटर स्पीड इतनी स्लो हो रही है कि सब्जेक्ट ब्लर होने के चांसेस हैं, तो ISO बढ़ा लीजिए या ISO को ऑटो पे रखिए। सो उससे आपको एक क्रिस्प शार्प इमेज मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर तो कोई आपके लिए पोज कर रहा है, देन यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू फिक्स योर सेटिंग्स मैनुअल मोड में, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, ऑल दोज थिंग्स। बट अगर आप सिटी एनवायरनमेंट में कैंडिड शॉट्स चाहते हैं, देन स्टिक टू अपर्चर प्रायोरिटी ऑटो मोड, जस्ट कीप मॉनिटरिंग योर सेटिंग्स। सो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ प्लाजा मेयर जो स्क्वायर है, जो कि मैड्रिड का बहुत ही फेमस साइट सीइंग लोकेशन है, उसके अंदर, और मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे को टर्न करके, दिस इज हाउ इट लुक्स। तो जब भी आप गूगल पे मैड्रिड साइट सीइंग लोकेशंस पंच करेंगे, ये सबसे पहली लोकेशन होगी जो निकल के आएगी, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंशियंट मॉन्यूमेंट है यहाँ का, या लैंडमार्क कह सकते हैं। इसमें आप देखेंगे पीछे की जितनी बिल्डिंग्स हैं ये सब ऑरेंज कलर में पेंटेड है, क्योंकि ये पूरा एक टाइम पे, आज से कई साल पहले, अब मुझे ईयर तो नहीं पता है, मैं हिस्टोरियन तो नहीं हूँ, बट आज से कई साल पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, ये पूरा जल गया था। ओके, सो वो जो जला हुआ पार्ट है उसको आज भी उन्होंने वैसा का वैसे ही रखा हुआ है, आप देख सकते हैं उधर, वो जो जला हुआ पार्ट है उसको वैसा का वैसे ही रखा है संभाल के, बट बाकी सबको रिस्ट्रक्चर कर दिया है, बाकी सबको पेंट कर दिया है। बट मोर और लेस ये जो पूरा आप कैंपस देख रहे हैं या प्रेमाइसिस देख रहे हैं, ये पूरा स्क्वायर का, ये एज इट इज़ इंटैक्ट रखा हुआ है इन्होंने, इसका जो एस्थेटिक्स है एज इट इज़ इंटैक्ट रखा हुआ है। तो ये हमारी पहली लोकेशन है, मुझे नहीं पता आज मैं और कितनी लोकेशंस पे जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम रियली टायर्ड, जेट लैग्ड, ठीक से रात में सो नहीं पाया, सो आई विल जस्ट एक्सप्लोर स्ट्रीट फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या कुछ है शूट करने के लिए, एंड आई विल गेट बैक टू यू। सो वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ इज, जो कि मेरी नेक्स्ट स्टेप है रिलेटेड स्ट्रीट फोटोग्राफी इन सिटी एरिया। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं जिस कॉरिडोर से मैं जा रहा हूँ, ये प्लाजा मेयर के चारों तरफ है, जो ये बिल्डिंग है इसके नीचे का हिस्सा पूरा ये कॉरिडोर ही है, जिसमें इट्स अ वॉक वे बेसिकली, और यहाँ पे जो यहाँ के सुवेनियर शॉप्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे बने हुए हैं अंदर। So the technique that I'm using here is called fishing technique. तो fishing technique में क्या करते हैं, आपको अगर कोई भी frame अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो corridor है ये सारे arch shape में है जो इनके दरवाजे हैं, तो उनके through एक बहुत बढ़िया frame बनता है। तो what I'm doing is I'm adopting something called fishing technique, जैसे कि मैंने बोला, उसमें मैं एक frame fix कर लेता हूँ और फिर मैं subject के उस frame के अंदर या बाहर जाने का wait करता हूँ। तो हाँ, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट इफ़ यू आर लकी यू माइट गेट सम रियली नाइस शॉट, और वही यहाँ पे कुछ शॉट्स मेरे काफ़ी अच्छे आए, मुझे पसंद आए। और एक दो एग्जिट दरवाजे हैं यहाँ के प्लाजा मेयर के, जहाँ पे बहुत ही अच्छा सिल्वेट बन के निकल के आ रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने ये फिशिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट एज दे से कि फोटोग्राफी पेशेंस वाला काम है, आप पहुँचें और एकदम से आपको परफेक्ट शॉट मिल जाए परफेक्ट लाइटिंग कंडीशन में, वो पॉसिबल नहीं है। गुड थिंग ये है, अगर आप प्लाजा मेयर आ रहे हैं और आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप मॉर्निंग आवर्स में यहाँ पे आ जाएं। जब मैं मॉर्निंग में आया था काफ़ी खाली था, अभी आप देखेंगे भीड़ काफ़ी आ गई है, बट इसी का फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ अभी। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं ये मेन स्क्वायर के अंदर जाके शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके कॉरिडोर में घूम रहा हूँ और फ्रेम फिक्स करके फिशिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आई एम गेटिंग माई शॉट्स।
मॉर्निंग में आने का एक और फ़ायदा आपको मिलेगा, जो लाइट का प्ले है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको यहाँ पे, बिकॉज आप देख सकते हैं मेरे जो पीछे का एरिया है वहाँ पे फ्लैट लाइट पड़ रही है बिल्डिंग के ऊपर, और जो कि एक तरीके का यहाँ इस तरफ में उल्टी तरफ में एक बाउंस लाइट इफेक्ट क्रिएट कर रही है, आप मेरे फेस पे देख सकते हैं। सो अगर आप सॉफ्ट लाइट के शौकीन हैं तो आपको इन कॉरिडोर्स के अंदर सॉफ्ट लाइट भी मिलेगी, आपको हार्श लाइट और शेडो का प्ले भी मिलेगा इसमें, क्योंकि सामने वाला जो कॉरिडोर है इसके जस्ट अपोजिट वाला वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है, बट जो पिलर्स हैं वो शेडो क्रिएट कर रहे हैं कॉरिडोर में, तो वो प्ले भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल मिलेगा आपको। कुछ एंट्रेंस गेट्स आपको बहुत अच्छा सिल्वेट दे रहे हैं क्योंकि बैकलिट है काफ़ी अच्छा, और कुछ आपको बैकलिट भी दे रहे हैं और सामने वाली जो बिल्डिंग है उस पर लाइट पड़ रही है तो बाउंस लाइट भी मिल रही है, तो आपका किकर का भी काम हो रहा है और आपको बाउंस लाइट सॉफ्ट लाइट भी मिल रही है सब्जेक्ट के ऊपर, खासकर पोर्ट्रेट्स के केस में। सो मिक्स ऑफ लाइट है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर शूट करने में, और क्योंकि जनता काफ़ी है तो आपको सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ रहा है इन कॉरिडोर्स के अंदर, या फ्रेम्स जो भी आपने चूज़ किए हो गेट्स या एंट्री या एग्जिट गेट्स के अंदर, आप जस्ट अपना फ्रेम लॉक करके बैठे रहिए, जूम इन जूम आउट करते रहिए फ्रेम के हिसाब से अगर आप बोर हो रहे थे, एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर शॉट। जिस कॉरिडोर में अभी मैं चल रहा हूँ इसमें काफ़ी सॉफ्ट लाइट हो रखी है अभी आप देख सकते हैं, बट आगे का जो कॉरिडोर है अगर मैं उसमें टर्न लूँ और आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे जो पिलर्स हैं उनके उनका शेडो क्रिएट हो रहा है कॉरिडोर के अंदर, जो वो भी अपने आप में काफ़ी यूनिक लाइट पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ इस कॉरिडोर में जहाँ पे आप देखेंगे हार्श लाइट और शेडो का प्ले, ये देखिए मेरे फेस पे हार्श लाइट, देन अगेन शेडो, अगेन हार्श लाइट, अगेन शेडो। सो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स फ्रेम करने का वेट करना है, दैट्स इट, और बाकी काम ऊपर वाला कर रहा है। अमेजिंग लाइट राइट नाउ, ऐसा बताते हैं पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे स्पेन में काफ़ी वेदर काफ़ी ख़राब हो रखा था, ओवरकास्ट वेदर था, बट टुडे आई एम बिट लकी कि मुझे ये लाइट मिल रही है अच्छी, और आई कैन डू सम रियली, यू नो दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी, आप इसको किसी भी लाइटिंग कंडीशन में कर सकते हैं, हार्श लाइट में भी और सॉफ्ट लाइट में भी, ओवरकास्ट वेदर में भी, बट ओवरकास्ट वेदर इसलिए अभी मेरे लिए फ़ायदेमंद ये लाइट है क्योंकि ओवरकास्ट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था, अप्रॉक्सीमेटली 0 degrees, और 0 degree में आप देख ही सकते हैं पूरी तरीके से पैक हूँ, अभी भी धूप हो रही है तब भी, ठंड लग रही है तब भी। टिप जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो लेंस रिलेटेड है कैमरे का, हालांकि मुझे ऐसा लगता है जो स्ट्रीट फोटोग्राफी है वो गियर का कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए उस पर, बट कुछ लोग कहते हैं कि आप 50mm या प्राइम लेंसेज से ही स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हैं, बट आई काइंड ऑफ अग्री एंड डिसएग्री विद इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है आपकी कॉम्पोजिशन फ्रेमिंग ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, यू आर गुड ऑन फील्ड क्रिएटिव पर्सन, कि जब फील्ड पे आप रहते हैं तो क्रिएटिव शॉट्स फटाफट निकलते हैं आपके, देन कंसिडरिंग दैट यू स्टिक टू प्राइम लेंसेज, बट अगर आप स्ट्रगल करते हैं मेरी तरह, आई एम नॉट अ बॉर्न क्रिएटिव पर्सन, तो आई प्रेफर अ जूम लेंस ओवर अ फिक्स्ड फोकल लेंस, क्योंकि जूम लेंस मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू गो वाइड वेन एवर आई रिक्वायर इट एंड टू गो टेली जब भी मुझे लगता है कि वाइड एंगल पर ज़्यादा क्रिएटिव शॉट्स नहीं निकल रहे, तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी मिल जाती है आपको जूम लेंस के साथ। तो आप अपने आप की अपनी स्किल देखिए अपने आप की, कि आप अगर क्रिएटिव पर्सन है आप कॉम्पोजिशन फटाफट बना लेते हैं ऑन फील्ड, स्टिक टू प्राइम लेंसेज, अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है कॉम्पोजिशंस में देन स्टिक टू जूम लेंसेज। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, आई एम यूजिंग लूमिक्स का 24-105 जिसमें 24mm वाइड है ऑन अ फुल फ्रेम, इट्स सफिशियंट, एंड 105mm जूम लेंस विच इज़ अगेन गुड इनफ फॉर स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स काइंड ऑफ फोटोग्राफी। बट अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छे हैं क्रिएटिव पर्सन है ऑन फील्ड आपके कॉम्पोजिशन धड़ाधड़ निकलते हैं, स्टिक टू प्राइम लेंसेज। वन मोर थिंग, अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी पहली बार कर रहे हैं या पहली बार अप्रोच कर रहे हैं, और अगर आप पहले से करते आ रहे हैं बट आप ऐसी लोकेशन में हैं कि आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है करने के लिए, तो वन गुड सजेशन इज़
स्टार्ट शूटिंग ब्लैक एंड वाइट, बट डोंट शूट ब्लैक एंड वाइट। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, मेरा मतलब है आप रॉ फाइल खींचिए, बट जो पिक्चर प्रोफाइल है कैमरा की उसको आप मोनोक्रोम पे रखिए और फॉर्मेट को रॉ पे रखिए, ताकि जब आप पोस्ट प्रोडक्शन में उसको खोलें आप तो वो आपको कलर में ही मिले ना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि जब आप ऑन फील्ड ब्लैक एंड वाइट मोनोक्रोम पिक्चर्स लेते हैं तो जो कलर डिस्ट्रैक्शन है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट फोटोग्राफर्स आपने देखे होंगे काफ़ी मोनोक्रोम फोटोग्राफी भी करते हैं। सो बट इसकी आदत मत बनाइए, क्योंकि एक बार आपको मोनोक्रोम शूट करने की आदत लग गई तो आपको कलर शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कलर फिर आपको डिस्ट्रैक्शन लगने लगेंगे। सो माई स्ट्रॉन्ग सजेशन इज़, जब भी आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी को लेकर और आपको लग रहा है यार बात नहीं बन रही, शॉट्स नहीं निकल के आ रहे हैं, तो क्विकली पिक्चर प्रोफाइल को मोनोक्रोम कर लीजिए एंड देन ट्राई, आपको बड़ा मज़ा आएगा। पर हमेशा फॉर्मेट को रॉ पे ही रखिए, क्योंकि रॉ फॉर्मेट आपको अलाउ करेगा कि आप पोस्ट प्रोडक्शन में उसी पिक्चर को कलर में भी देख सकें और फिर फाइनली आप डिसाइड कर सकें किसको आपको कलर में रखना है कि वापस से मोनोक्रोम पे ही करना है। सो ट्राई दैट एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा काम प्लाजा मेयर पे ख़त्म हो चुका है, सो आई एम जस्ट हेडिंग बैक टू माय अपार्टमेंट। आई विल मेक सम लंच फॉर माय सेल्फ, फिर उसके बाद शाम को मैं देखूंगा बाहर निकलना है कि नहीं निकलना, डिपेंडिंग ऑन द वेदर। अभी तो वेदर क्लियर लग रहा है, शाम का पता नहीं कैसा होगा। सो अगेन इट वॉज़ अ नाइस मॉर्निंग स्पेंट हेयर एट प्लाजा मेयर। आप आते हैं तो कोशिश करिए मॉर्निंग आवर्स में इसको कवर करने आप आएँ, फोटोग्राफी के लिए अगर आपको इसको कवर करना है तो, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। सो अभी के लिए इतना ही, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।